जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि हरियाणा में वार्ड बनने में फंसा हरियाणा का पंचायत चुनाव, पिछड़े वर्गों को आरक्षण संभव। वही बात करते हैं, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बाबली भले ही 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न जिला में वार्ड बंटी का काम जिस धीमी गति से चल रहा है, उसे देखते हुए नहीं लग रहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव समय से पहले हो पाएंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने हाल ही में पटौदी व हेली मंडी को लेकर पटौदी मंडी बनाने की घोषणा की, जिसमें 10 गांव शामिल किए गए हैं। इससे वार्ड का काम बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में कई जिलों में है जिस कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। हरियाणा में पंचायत चुनाव नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है, कि वजह यह है कि गांवों में विकास कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में चले गए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वार्ड मंडी का काम चलने की वजह से चुनाव में देरी की बात कही है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के हाल ही में 30 सितंबर से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही भाजपा, कांग्रेस, जजपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी अपने पत्ते खोलेंगी। तो दोस्तों, जुड़े रहे हम सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें।